नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे बिहार में सीएचओ के टोटल 1200 पदों पर निकली हुई वैकेंसी के बारे में। इससे संबंधित हमने पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन आपको फिर से एक बार वीडियो बनाकर सूचित कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन जारी हुआ स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार के द्वारा। यहाँ पर पहले आपको 6 मंथ का एक सर्टिफिकेट कोर्स करवाया जाएगा, उसके बाद वहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन है जिसमें जीएनएम बीएससी नर्सिंग की में ये सर्टिफिकेट कर सकते हैं और 6 महीने का कोर्स रहेगा जिसमें सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ अंडर नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ये कोर्स करवाया जा रहा है। आपका जैसे ही कोर्स ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आपको हेल्थ एंड जो वेलनेस सेंटर्स हैं उनमें उनके अंदर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। पर मंथ आपको 25,000 रुपये पेमेंट मिलेगी, 15,000 रुपये आपके इनिशिएटिव आपको मिल जाएगा अलग से। तो इस प्रकार आपकी जो पेमेंट रहेगी वो 30 से 35 हज़ार के बीच में हो सकती है। ये कोर्स है वो करवाया जाता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू के द्वारा। तो इसमें आप देख सकते हैं, टोटल पोस्टों की बात की जाए तो यहाँ पर सीएचओ के टोटल 1200 पद हैं जिसमें ये कैटेगरी वाइज दिए गए, आप देख सकते हैं। इसकी जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर ये डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लिंक पे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करते हैं अपने क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आप वर्किंग रेगुलर स्टाफ नर्स हैं, जीएनएम है, बीएससी नर्सिंग है अंडर गवर्नमेंट ऑफ बिहार के, या फिर आप वर्किंग कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ नर्स के पद पर हैं, जीएनएम है या बीएससी नर्सिंग है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर फ्रेश जीएनएम बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट्स हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ जीएनएम की हुई नीचे कोई भी इंस्टीट्यूट हो, या फिर बीएससी नर्सिंग की हुई है कोई भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के द्वारा जो इंडियन की लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड की गई है। इसके अलावा बात की जाए तो जो कैंडिडेट्स हैं जिनका परमानेंट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंदर या फिर कोई भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल है उसके अंदर, यानी आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको BNRC का सर्टिफिकेट चाहिए होगा ज्वाइनिंग के टाइम, वो आप करवा लेना। अगर एज की बात की जाए तो अनरिजर्व EWSC उनके लिए 42 साल रहेगी, जो बैकवर्ड क्लास है या मोस्ट बैकवर्ड क्लास उनके लिए 45 साल मैक्सिमम एज है, अनरिजर्व के लिए 45 है और SC ST कैंडिडेट के लिए 47 है। मिनिमम एज अब 21 साल होनी चाहिए, 21 साल से कम है तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी या लास्ट डेट कब रहेगी। लास्ट डेट इसकी रहेगी 10 जनवरी 2020 को शाम को 6 बजे तक। अप्लीकेशन की बात की जाए तो ऑनलाइन अप्लीकेशन डालनी है आपको, और फीस की बात की जाए तो 500 रुपये लगेंगे अनरिजर्व के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए, मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लिए या EWS के लिए। SC ST और जो बिहार का कैंडिडेट्स है या बिहार का रेगुलर जो डोमिकल कैंडिडेट्स है उसके लिए मात्र 250 रुपये फीस लगेगी। जो फीस है वो ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी, और जो लास्ट डेट है तो आप इसमें देख सकते हैं, जो एज की गणना है या रेफरेंस है, कट ऑफ है, डेट है, एज लिमिट है, वो आपकी 1 जनवरी 2020 को आधार मान के गणना की जाएगी। इसके अलावा कुछ अन्य जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या इसके ऑफिशियल साइट पे पता कर सकते हैं। ऑफिशियल साइट की लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतनी ही चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और भी इसी प्रकार की वीडियोज़ पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।